हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस एंड द चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल वीडियो 1। क्लास 9th के साइंस चैप्टर 3 जो एटम एंड मॉलिक्यूल है, आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसका? मैटर का। इसका मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, मिलियन नंबर ऑफ एटम से मिलकर एक मैटर बना है। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो हमारा एटम कहलाता है। ये एटम इंडिविजिबल पार्टिकल, अनडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल किसका? मैटर का है। उसके बाद कह रहा है कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा एटम को हम केमिकली कंबाइन कर दें, दो या दो से ज्यादा एटम को हम केमिकली कंबाइन कर दें तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। तो जिसमें हमारा सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल में जो हमारे 9th क्लास में जो लॉज हैं एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो दो लॉ हैं, और उन लॉ को कैटेगराइज एक ही पार्ट पार्ट में किया गया, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। और इस लॉ ऑफ कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन के दो पार्ट हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। सबसे पहले ये जो दो लॉ ऑफ टू लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन गिवन बाय लेवोजियर एंड द जोजेवेल प्राउस्ट, जिन्होंने ये दो लॉ दिए उनका नाम क्या है? लेवोजियर एंड द जोजेफ एल प्राउस्ट ने दिए, जिसमें पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? उसने स्टेटमेंट बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है, ना जनरेट होता है, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जब ये जनरेट नहीं होता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन के दौरान, अब इसमें एक नया वर्ड आया, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है अभी करते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मीन रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट है और रिएक्शन के बाद जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, दोनों का मास सेम रहता है, दोनों का मास सेम रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्या रहा है कि केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज विल टेक प्लेस, जिसमें क्या होता है? केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, जिसमें नया सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं जिनसे नया सब्सटेंस बनता है। इसका मतलब जो हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जब रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें एक वर्ड है कि मास। अब ये मास क्या है? मास जो है द अमाउंट ऑफ मेटीरियल दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में जितना मेटीरियल है वो टोटल मेटीरियल को हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दीज आर द सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन है? एक ए और एक बी। इसका मतलब कौन हिस्सा ले रहा है? ए और बी। तो इसका मतलब जो ए और बी जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ए और बी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अब ये एरो मीन्स इक्वल, इसका मतलब रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो मास क्या बन रहा है? सी, और मास ऑफ डी, इसका मतलब ये जो डी और ये जो सी है ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है? रिएक्शन के दौरान जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है
उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट लेफ्ट वाली साइड, प्रोडक्ट राइट वाली साइड। इसका मतलब रिएक्टेंट ए और बी का मास और प्रोडक्ट सी और डी का मास, दोनों का मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम होता है, किसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। चलिए अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, अगर आप जैसे अभी आपने कहा ए प्लस बी, ये मेरे क्या है, दीज आर द सब्सटेंस और द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। फिर ए और बी, जब दोनों ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया तो ये एरो का मतलब है रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मीन्स ये जो रिएक्टेंट है वो नया सब्सटेंस बना रहा है। तो नया सब्सटेंस क्या बना? सी और डी बना। तो ये न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस हिस्सा ले रहे थे ए और बी, जब वो रिएक्शन हो गया तो क्या बना? सी और डी, नया सब्सटेंस बन गया। न्यू केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, नई केमिकल प्रॉपर्टी बनी, नया सब्सटेंस बना, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये जो एरो है, एरो मीन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन इज गोइंग ऑन मीन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट का रेट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनती जा रही है। इस रिएक्शन के दौरान कुछ हम सब्सटेंस यूज करते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस और एलिमेंट यूज करते हैं, कंपाउंड यूज करते हैं जो इस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या उसके केमिकल रिएक्शन के रेट को घटाता है, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दीज आर द पॉइंट विच आर इंक्लूडेड इन द केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? इसका मतलब दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, इट इज रिएक्टेंट। और हमारा राइट हैंड साइड क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है हमारा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड और प्रोडक्ट साइड RHS, दोनों का मास रिएक्शन से पहले, ये क्या है? रिएक्शन से पहले। तो इसका मतलब रिएक्शन से पहले जिन सब्सटेंस ने हिस्सा लिया उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या कर रहा है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई नया सब्सटेंस बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस और द कंपाउंड विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। चलिए अब यहां पर एक एग्जांपल है, इन रिएक्शन 5.3 ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट, ये रहा रिएक्शन दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट कितना? 5.3 ग्राम। रिएक्ट किसके साथ? 6 ग्राम एसिटिक एसिड। ये कितना है? 6 ग्राम एसिटिक एसिड। ये एरो लगाया मींस जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम इज कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम इज वाटर, तो वाटर कितना बना? 0.9 ग्राम, ये वाटर बन गया। और 8.2 ग्राम क्या बन गया? सोडियम एसिटेट, 8.2 ग्राम इज सोडियम एसिटेट। तो सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। तो पहले हम निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स कौन कौन से? एक सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम एसिटेट। तो इसका मतलब रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ किसका पहले? सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ किसका? मास ऑफ एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड।
तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है 5.3 ग्राम और एसिटिक एसिड का 6 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब 5.3 में क्या जोड़ेंगे 6.0, तो क्या आएगा 11.3 ग्राम। तो इसका मतलब 11.3 ग्राम ये किसका मास है, रिएक्टेंट का मास है। और रिएक्टेंट कौन कौन से हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ये दो रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और इन रिएक्टेंट का मास 11.3 है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट का मास, किसका मास, प्रोडक्ट का मास, तो मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। और हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट हमारे पास हैं एक सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मास ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ये तीन हमारे प्रोडक्ट बने ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो मास ऑफ एसिटेट कितना है 8.2 ग्राम, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम और वाटर का 0.9 ग्राम, तीनों को ऐड करेंगे 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, तो 9 2 11 और 2 13, 3 कैरी ऑन 1, 8 और 1 9 और 2 11 कितना हो गया 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम। ये किसका मास है, प्रोडक्ट का मास है, ये किसका मास, प्रोडक्ट का, और ये किसका मास है, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का मास 11.3, प्रोडक्ट का मास 11.3, दोनों का मास सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों सेम है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, रिएक्शन से पहले मास रिएक्टेंट का मास, रिएक्शन के बाद का मास प्रोडक्ट का मास, दोनों मास हमारे 11.3 है, तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना निकला हमारा 11.3 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, और वो कितना निकला हमारा, वो भी 11.3 ग्राम निकला, दोनों का मास सेम है, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसके बाद हम करते हैं अगला, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल और देखिए, ये तीन एक्टिविटी हैं, अब तीन में से हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक वन सेट ऑफ एक्स एंड वाई, ये मेरे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, ये सॉल्यूशन वाई है, ये क्या है वाई सॉल्यूशन, वाई सॉल्यूशन हमने एक एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट, वाई सॉल्यूशन मीन सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये क्या है सोडियम कार्बोनेट और इसका मास कितना है 1.43 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट का सिंबल है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ये हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क में, और ये क्या है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या है सोल्यूशन ऑफ एक्स, सोल्यूशन ऑफ एक्स, और ये एक्स क्या है हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में एक्स, एक्स क्या हमारे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 और ये क्या है मेरे पास एक्स और इसका मास कितना है 1.25 ग्राम। अब क्या है इसमें, हमने क्या लिया एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया, सोल्यूशन लिया, उस कॉनिकल फ्लास्क में एक हमने टेस्ट ट्यूब हैंग कर दी और उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसका मास 1.25 ग्राम है और इन दोनों को हमने रिएक्ट नहीं किया, कंबाइन नहीं किया, इन दोनों को ऐसे क्या ऐसी सेटअप से हमने इसका मास नोट किया, तो ये क्या है मास ऑफ रिएक्टेंट मीन कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों का अपना मास किया, तो हमारे पास क्या बना CU कॉपर सल्फेट SO4 जिसका मास 1.25 ग्राम है और प्लस में किसके साथ रिएक्ट किया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 1.43, ये मेरा रिएक्टेंट है दोनों, तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया इक्वल टू क्या हो गया दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2.68 ग्राम आ गया, 6.8 ग्राम आ गया, 2.68 ग्राम आ गया रिएक्टेंट का मास। फिर हमने क्या करा इस टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सारा किसमें मिक्स कर दिया
वाई सॉल्यूशन में, कैसे, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा इसको झुकाया, हिलाया, हिलाने से क्या होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन एक्स का वाई में मिल गया। जब एक्स और वाई दोनों में रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बना, सी यू कॉपर कार्बोनेट बना, और क्या बना, सोडियम सल्फेट बना, सोडियम सल्फेट बना, ये दो हमारे प्रोडक्ट बने। जब ये पाया गया कि दोबारा इनका मास नोट किया तो दोनों का मास हमारा क्या आ रहा था, 2.68। कंबाइन करने से पहले या रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास 2.68 था, और फिर मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद भी इनका मास कितना आया, 2.68। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हमारे आगे दो एक्टिविटी है जो सिमिलर टू फर्स्ट वन है। तो वही कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, नाइदर लॉस नॉर गेन। दूसरा लॉ हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल में कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मींस अगर हमें कोई भी सब्सटेंस बनाना हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस बनाना हो, तो उसमें जो एलिमेंट का जो मास है वो जो कंबाइन होता है मास, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इन अ कंपाउंड ऑफ वाटर, वाटर एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। इसका मतलब वाटर, हमने H2O ये वाटर है, इस वाटर में कितने हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, 1:8। इसका मतलब वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा 1:8 लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, H हमारे पास इसमें कितने एटम है, दो, ऑक्सीजन कितने एटम है, एक। जब दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना, वाटर बना। तो इसका मतलब वाटर बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम है, और ऑक्सीजन के एक एटम का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है, कितना, 16 ग्राम। तो इसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, दो एटम है, तो 2 × 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन का एटम, और ये क्या है, वाटर का H2O। अगर हम कहेंगे हाइड्रोजन का मास एक है तो इसका ना दो एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2, ऑक्सीजन का मास 16, और टोटल मास हो गया हमारा 2 + 16 = 18। इसका मतलब अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलाते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो 18 ग्राम हमारा वाटर बनता है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2 और 16, ये रेशो नहीं है, रेशो को में लाने के लिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा। इट मीन 2 और 16 दोनों किससे की टेबल में आते हैं, 2 की, 2 × 1 = 2, फिर रेशो 2 × 8 = 16, इसका मतलब 1:8। इसका मतलब अगर 1 ग्राम हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तो 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि 9 ग्राम हमारा वाटर बन सके। तो मीन 9 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा 1:8 में कंबाइन करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन हम 1 लेंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम, और तो पानी कितना बनेगा हमारा, पानी हमारा बनेगा 9 ग्राम। और अगर मान लो ऑक्सीजन लेते हैं हम 2 ग्राम, और सॉरी हाइड्रोजन लेते हैं 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 16, और वाटर कितना बनेगा, 18 ग्राम। अगर हम लेते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, इसका 8:3:8। तो इसका मतलब मल्टीपल 1, देखिए 1:8, 2:16, 3:24, तो 24 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 24 ग्राम, तो ये बना मेरा 27 ग्राम वाटर बना। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और टोटल वाटर का मास कितना होगा, 36 ग्राम होगा 1:8 में। और इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाता है कई बारी अगर घुमा के पूछ लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये वाटर, अब मुझे बनाना है 54 ग्राम वाटर बनाना है, 54 ग्राम वाटर बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना लेंगे, हमें पता है कि 1:8, ये क्या है, 1:8, इसका मतलब हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो इसका मतलब 1:8 दोनों का सम, सम ऑफ रेशो 1 + 8, ये मेरा क्या गया, सम ऑफ रेशो,
सम ऑफ रेशो 1:8, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 9। तो सीधा वाटर, पहले हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितना है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना होगा 54, टोटल मास वाटर का है, 9 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा 6, तो इसका मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन, और बाकी जो बचा 54 में से 6 ग्राम 48, और ये मेरा बन गया ऑक्सीजन। इसका मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमेशा हम 48 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे, जिससे हमें वो क्या देगा 54 ग्राम वाटर देगा। इस तरीके से हम केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए एलिमेंट को हमेशा एक फिक्स रेशो बाय मास में हम मिलाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, अभी एक एग्जाम्पल और देखिए, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अमोनिया बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 3, नाइट्रोजन 1, तो हमारा बना अमोनिया NH3। अब नाइट्रोजन का मास है 14 ग्राम और हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, हाइड्रोजन इसमें 3 है तो 3 बन जा 3 ग्राम, तो टोटल बन गया हमारा 17 ग्राम। तो इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए मुझे 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन 14:3, और जो मेरा बन जाएगा 17। अगर मेरे को, मेरे पास 3 के बदले 6 ग्राम हाइड्रोजन है, 6 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 14:3 है, तो 3 का डबल 6, 14 का रेशो 28, तो 28 ग्राम मुझे नाइट्रोजन चाहिए, किसके लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास जो अमोनिया बनेगा वो 34 बनेगा। इसका मतलब हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए मास, किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा मास है वो क्या होंगे, एक फिक्स रेशो बाय मास में कंबाइन होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास दे विल कंबाइन। किसी भी कंपाउंड के लिए एलिमेंट जो है वो कंबाइन होंगे फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8, इसका मतलब 1:8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम, तो 9 ग्राम वाटर बन गया। अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 9 ग्राम हमारा क्या बनेगा, 9 ग्राम हमारा वाटर बनेगा। अब लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स फिक्स रेशो है, फिक्स रेशो, रेशो चेंज नहीं होगा, 1:8 ही रहेगा। अब उसने कह दिया कि हाइड्रोजन चाहिए हमारे को 3 ग्राम, हाइड्रोजन हमारे पास 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो अगर 1:8 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना है 8, अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 16, अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ये कितना होगा 24, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 24, और जिससे 27 ग्राम क्या बनेगा मेरा, वाटर बनेगा, सीधा दोनों को प्लस। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, इसका मतलब इसने कहा 3, तो रेशो सेम है, रेशो सेम है, ये मेरे पास हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का, दोनों का रेशो किसके बराबर है 1:8, और दूसरा क्या है 3 ग्राम हमें हाइड्रोजन दे रखा है, हमने निकालना है क्या है ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन का मास हमने क्या लेट कर लिया एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 × x इज इक्वल टू 8 × 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 24, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मीन 1/8, 1:8, 1:8 इज इक्वल टू 3:x, 3:x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, 1 को मल्टीप्लाई किया x से और 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, x इज इक्वल टू 24 ग्राम, तो मेरे को ऑक्सीजन चाहिए कितना 24 ग्राम, हाइड्रोजन 3 ग्राम, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 27 ग्राम। इस तरीके से हम केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस बनाने के लिए एलिमेंट को फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ऐड करते हैं, और एक तरीका यह है 1/8 और 3/x, x ऑक्सीजन का मास है, तो इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जिससे मेरा वाटर क्या बनेगा 27 ग्राम, कितना बनेगा 27 ग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर कमिंग नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर टूडे।